गोरखपुर पुलिस की सर्विलांस सेल की टीम ने 16 लाख रुपए के खोए हुए 112 मोबाइल फोन को बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि गोरखपुर में गुमशुदा मोबाइल फोन टैबलेट से संबंधित आवेदकों के आईजीआरएस व लिखित प्रपत्रों पर त्वरित कार्रवाई हेतु सर्विलांस सेल को निर्देशित किया गया था, जिसको देखते हुए कई माह पहले के गुमशुदा मोबाइल फोन टैबलेट से संबंधित आईजीआरएस लिखित प्रपत्रों के आवेदकों के कुल 111 एंड्रॉइड मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 16,46,847 रुपए है तथा एक टैबलेट जो कि मुख्यमंत्री द्वारा मेधावी छात्र को वितरण किया गया था जो कि चोरी हो गया था, एक टैबलेट को बरामद किया गया है। उन सभी मोबाइल स्वामियों को पुलिस लाइन में बुलाकर मोबाइल को सुपुर्द किया गया है। मोबाइल स्वामी अपना खोया मोबाइल पाकर बहुत खुश हुए। सभी मोबाइल स्वामियों ने गोरखपुर पुलिस की सर्विलांस टीम को धन्यवाद दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई व मोबाइल पाने वाले नागरिकों ने कहा, स्माइल करो। प्रेमचंद, राम नारायण, राजप्रियतेश, क्या लिखा है? स्माइल करो। क्या लिखा है? क्या लिखा है? ना अभी क्या लिखा है? जयप्रकाश गुप्ता। कहाँ खोया था आपका फोन? कहाँ खोया था आपका फोन? गोरखपुर आया था मैडम, अप्रैल में। कहाँ पे छीना गया था या फिर गिर गया था? चलता है कि फलां व्यक्ति के पास सेल सेल को मेहनत करने के बाद में इतनी बड़ी स्तर की सफलता मिली है। मैं उन सभी लोगों को, 112 लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि वो बहुत लकी हैं, क्योंकि इसमें हार्ड वर्क के साथ साथ लक की भी आवश्यकता होती है और आप लोग लकी हैं कि आपका फोन वापस मिला है। और गोरखपुर पुलिस आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करती है कि आप लोग आज आए यहाँ पे और हमको आप जो गैजेट्स आपके खोए थे उनको वापस प्रदान करने का मौका दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी गोरखपुर पुलिस के उन जांबाज सिपाहियों एवं जिन लोगों ने मेहनत की उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे और कृतज्ञ रहेंगे। बिंदु त्रिपाठी। वो मोबाइल मिला कैसे, गायब हुआ था, कितने दिन बाद मिला? ये हमारे लड़के का था, परीक्षा देने गया था तो डिगी में रखा था तो किसी ने निकाल लिया। कितने दिन? 4 महीना हो गया होगा। आज कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। कहना चाहेंगे पुलिस के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस। संजीत यादव। मिला खोया वो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। कितने दिन बाद मिला, कैसे खोया? ये कॉलेज से आ रहे थे तो उस टाइम रेलवे स्टेशन से सर, खलीलाबाद कॉलेज है मेरा, वहीं से आ रहे थे तो बीच में। लगभग कितने दिन हो गए? साल भर हो गया सर, क्योंकि मेरा लंबे टाइम से गया। लगभग एक साल बाद मिला जी, बढ़िया लग रहा है। पुलिस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर को। कृष्णा दुबे। कितने दिन बाद आ गए?
करीब 3 महीने बाद। कैसे खोया था? ये रीजनल स्टेडियम जाते समय सुबह 4:30 बजे के करीब, तो जैसे ही हम अपने फ़ोन से निकाले अपने दोस्त के पास कॉल करने के लिए कि हाँ वो भी घर से निकले आए निकलने, तो फ़ोन लगा रहे पीछे से दो लोग बाइक से लेके हाथ से भाग गए, उसमें हम साइकिल से थे। आज मोबाइल मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। गोरखपुर पुलिस के लिए क्या करना चाहते? अगर गोरखपुर पुलिस के लिए अगर मेरे द्वारा अगर कुछ उनके कार्य में अगर सहयोग करने के लायक रहेगा तो हम उसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। परशुराम वर्मा, कल गोरखपुर में कार्यरत हूँ। और दोनों ये मोबाइल हमारे रूम से खोया था, खिड़की के रास्ते चोर चुरा लिया था। जैसे खिड़की में जाली नहीं लगा हुआ था और बाहर से वो किसी हथियार को लेकर हिंगर में टंगे कपड़े को निकाल करके मेरे कपड़े से पैसा निकाला था और मोबाइल भी चार्ज में लगा हुआ था, टेबल पर रखा हुआ था, बाहर से ही वो खींच लिया था, मैं ही रूम में अकेले था। तो इस संबंध में मैं गोरखपुर के पुलिस को ढेरों सारी शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं इसी तरह गोरखपुर की पुलिस निरंतर समाज का सेवा करती रहेगी और सभी के साथ इसी तरह से गोरखपुर की पुलिस खड़ी रहेगी। मैं गोरखपुर के पुलिस को ढेरों सारी शुभकामना देता हूं। कन्हैया लाल टैबलेट मिला, कैसे मिला? सर टैबलेट मिल गया, इसकी बहुत खुशी है। और कैसे खोया था? सर मेरा टैबलेट रूम से खोया था, जैसे ही एक कोई व्यक्ति मिला था जिस पे मैंने भरोसा कर लिया, तो वो मतलब अपनी मजबूरी बता रहा, तो इस वजह से अपने रूम पे बुलाया और वहाँ से मेरा टैबलेट चुरा के लेके चला गया। कितने दिन बाद मिला लगभग? सर मेरा टैबलेट लगभग 1 महीने के अंदर मिल गया। कैसा लग रहा है? जी सर मिल गया है, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है और इसके लिए मैं गोरखपुर पुलिस को शुक्रिया अदा करता हूँ। जनपद गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए गए अभियान के अनुक्रम में जिसमें विभिन्न लोगों द्वारा समय समय पर अपने खोए हुए फ़ोन एवं गैजेट्स दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ब्यौरा दिया गया था सर्विलांस सेल को। सर्विलांस सेल ने प्रभारी सर्विलांस के माध्यम से अच्छी त्वरित कार्रवाई करते हुए आज करीबन 16.5 लाख रुपए के कीमत के 111 एंड्रॉयड गैजेट्स, जिसमें एक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाभार्थी को दिया गया एक टैबलेट एक विद्यार्थी को, एवं उसके साथ साथ वीवो, वन प्लस, रेडमी, इस तरह की सैमसंग, इस तरह की तमाम कंपनियों के अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स जो लोगों से या तो छीने गए थे या फिर खो गए थे, उनको आज वापस देने की कार्रवाई गोरखपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। इसमें सर्विलांस प्रभारी एवं उनकी टीम बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। सर ये फोन कहाँ से लग रहे थे? ये फ़ोन विभिन्न थाना क्षेत्रों एवं विभिन्न जनपदों में चल रहे थे, इनका IMEI रन करवा के सर्विलांस सेल द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। थैंक यू।